हिमाचल में कोरोना वायरस से छठी मौत, महिला ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। अगली खबर है, हिमाचल में 5 कोरोना पॉजिटिव, सिरमौर में सेना का जवान निकला संक्रमित। तो आज है 10 जून 2020, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की अभी की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। पूरी जानकारी इन खबरों के बारे में हम आपको देंगे, इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं इट्स कानिस यूट्यूब चैनल में तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, हिमाचल में कोरोना वायरस से छठी मौत, महिला ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। आईजीएमसी शिमला में हमीरपुर की महिला की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। महिला को 5 जून को अस्पताल लाया गया था। संक्रमित महिला को सांस लेने की समस्या थी। महिला के अंतिम संस्कार संबंधी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन को अब सूचित कर दिया गया है। महिला की मौत की पुष्टि अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनक राज ने की है। आईजीएमसी शिमला में कोरोना वायरस से यह दूसरी मौत है, जबकि कुल आंकड़ा 6 हो गया है। इससे पहले प्रदेश में 5 लोग कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। और इसके अलावा अभी की सबसे बड़ी खबर है, हिमाचल में 5 कोरोना पॉजिटिव, सिरमौर में सेना का जवान निकला संक्रमित। आज हिमाचल प्रदेश में अभी तक 5 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं। तो सबसे पहले सिरमौर जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक 39 वर्षीय महिला और 44 वर्षीय व्यक्ति है, जो दिल्ली से आया था तथा फिलहाल पौंटा साहिब में पेड क्वारंटीन में रह रहा था। पौंटा साहिब में पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति सेना का जवान बताया जा रहा है। और इसके अलावा सिरमौर में एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। युवक बिहार का रहने वाला है और नालागढ़ कॉलेज हॉस्टल में संस्थागत क्वारंटीन था। युवक का सैंपल पिछले कल जांच को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। और इसके अलावा दिल्ली से लौटा कांगड़ा जिले में बंदिया खोप का रहने वाला 28 वर्षीय युवक, जो कि बैजनाथ में संस्थागत क्वारंटीन था, युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके अलावा एक और कांगड़ा जिले में दिल्ली से लौटा दुर्ग बैजनाथ का रहने वाला 56 वर्षीय व्यक्ति, जो कि बैजनाथ में संस्थागत क्वारंटीन था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों को कोविड अस्पताल बैजनाथ में शिफ्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा अब रेड जोन से आने वाले सभी लोग संस्थागत क्वारंटीन होंगे। अब राजधानी दिल्ली समेत अन्य रेड जोन क्षेत्रों से आने वाले सभी लोग संस्थागत क्वारंटीन में रखे जाएंगे। ऊना जिले में होम क्वारंटीन में रखे ऐसे लोगों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अब पहले की तरह राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, थाने, पुणे, हैदराबाद, जयपुर और जोधपुर से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में अब रखा जाएगा। ऐसे लोगों के 6ठे से 7वें दिन कोविड टेस्ट होंगे, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। और इसके अलावा 48 घंटे के भीतर वापस आने वाले लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। तो ये थी अभी की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कानिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।